तो आज हम करने जा रहे हैं क्लॉथ वॉश, नॉर्मल क्लॉथ वॉश। तो हमने पहले इसमें डिटर्जेंट डाल दिया खूब सारा, जितने कपड़े उतने डिटर्जेंट अपना डाल दिया करो। तो अभी इसमें हम क्लॉथ भर रहे हैं, देखते हैं कितने फिल हो सकते हैं इसमें एक बार में। तो इसको पहले ऐसा कर देते हैं, तो आप लोग देख सकते हो हमने इसको फिल कर दिया है कपड़ों से, बहुत सारे इसमें कपड़े जा चुके हैं, और भी कपड़े आ जाएंगे इसमें अगर आप लोग भी वाश करना चाहते हो उसमें और कपड़े। तो इसकी कैपेसिटी लगभग 8 kg, और ये हमारा मशीन है सैमसंग का फुल ऑटोमेटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन। तो हमने और भी कोल ऑफ डाल दी उसमें, तो इसको भी करते हैं हम डोर को क्लोज, तो मशीन को करते हैं स्टार्ट। हमारा मशीन स्टार्ट हो गया। आप अपने साइकिल से कौन सा साइकिल चूज़ करना है अपना साइकिल चूज़ कर सकते हो, ठीक है। और हम करेंगे नॉर्मल, तो ये नॉर्मल साइकिल चूज़ हो गया इसमें, आप देख सकते हो। अभी हम इसको वॉश करेंगे, तो हमें इसको प्रेस करना है बस, तो हमारी क्लॉथ वॉशिंग शुरू हो जाएगी। और जब भी सेंस करेगा मशीन कपड़ों को, तो आप लोग देख सकते हो जी मशीन सेंस कर रहा है, देख सकते हो। तो ये मशीन चल चुका है, अभी कपड़े धोने के लिए शुरू है। तो और भी इसमें क्लॉथ आ जाएंगे, तो इसमें और डाल देंगे बाद में। तो मशीन तो चल रहा था, तो मशीन हमने चलाई, तो हमारे पास और भी क्लॉथ थे, तो 2 सूट हमने और डाल दिए इसमें। अभी ये मशीन फिल हो चुका है, और मशीन हमारा बोल रहा है आपका डोर ओपन है। ये देखो डोर ओपन का साइन आ रहा है, तो हम जैसे इसको डाउन करते हैं फिर से मशीन स्टार्ट हो जाएगा, वहीं से देख सकते हो मशीन चल गया दोबारा उसी से। देख सकते हो हमारा मशीन अभी चल गया है, पानी इसमें चला जा रहा है, और इसमें अभी थोड़ा सा और पानी चाहिए, और ये कपड़े वॉश करने के लिए रेडी हो जाएगा। और ऊपर आपको आ जाता है नोटिफिकेशन कि आपका डोर ओपन है, 1 hour 5 minutes बता रहा है ये क्लॉथ वॉशिंग के लिए। अभी आप देख सकते हो जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा पानी का प्रोसेस, तो आप देख सकते हो इसमें कपड़े ऑटोमेटिक वॉश होने शुरू हो जाएंगे। बस थोड़ा सा और पानी इसको चाहिए, और हमने कपड़े थोड़े ज़्यादा डाल दिए इसमें, तो इसलिए पानी इसको ज़्यादा लेना पड़ रहा है। अभी आप वाटर लेवल चेक करोगे तो 8 बता रहा है, लेकिन ये पानी ज़्यादा लेगा, 9 पे लेगा, आप देख सकोगे। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं मशीन हमारा चल चुका है, और 8 level का पानी इसमें लगा है, ठीक है, वाटर लेवल 8 पे। तो अभी आप देख सकते हो इसमें और पानी जा सकता था, लेकिन कपड़े ज़्यादा होने की वजह से इसने ऑटो एडजस्ट कर लिया है, तो इससे कम पानी लिया इसने शायद, मे बी अगर इसको और पानी चाहिए होगा तो ले लेगी। और इसी के अंदर आप और भी कपड़े डाल सकते हो मशीन के अंदर, चलती मशीन के अंदर ढक्कन ओपन कीजिए और कपड़े डाल दीजिए। तो अभी हम वाटर लेवल को बढ़ा कर देखते हैं, तो वाटर लेवल भी जैसे हमने बढ़ाया तो इसने पानी और लेना शुरू कर दिया, अब देख सकते हो। अभी हम इसको रोक भी सकते थे, पानी इसको और नहीं चाहिए, तो हमने वाटर लेवल को फिर से सेट कर देंगे, और हम इसको भी स्टार्ट कर देंगे, तो जी और पानी नहीं लेगी, और कपड़े स्टार्ट हो जाएंगे वॉश करने के लिए। तो आप देख सकते हो हमारा मशीन चल चुका है, कपड़े धो रहा है, और ऐसे ही ये कपड़े 24 मिनट में साफ़ हो जाएंगे,
और फिर इसके बाद 2 बार रिन्स होगा, फिर मतलब 18 टाइम के लिए आपका स्पिन होगा, 18 मिनट के लिए स्पिन होगा, और 2 टाइम के लिए रिन्स होगा। तो इसमें टोटल 1 आवर 4 मिनट बता रहा है।